हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 29 फरवरी 2020 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एडिटोरियल से। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अचीव आईएएस के ढेर सारे कोर्सेज अलग अलग एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स के लिए, जैसे कि लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, स्पेक्ट्रम के लिए अलग अलग हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। मिनिमम गवर्नमेंट। मिनिमम गवर्नमेंट, द सेंटर फेसेस अ ट्रस्ट डेफिसिट एज इट सीक्स टू रिस्टोर पब्लिक ऑर्डर इन रायट हेट दिल्ली। वो बताया दिल्ली में दंगे हुए, पब्लिक ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या थी, इस वजह से केंद्र सरकार पे अब जो है आरोप लग रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट है इसके बीच में और जनता के बीच में। द क्रिमिनल वायलेंस दैट हैज क्लेम्ड 42 लाइफ सिंस संडे हैज बीन सब्ड्यूड बट टेंशंस कंटिन्यू टू सिमर इन दिल्ली। दंगे हुए थे, 42 लोगों की जाने गई थी, अब थोड़ी जो है शांति बनी है, लेकिन टेंशंस अभी भी हैं। और मुझे भी खुद खुशी हुई जब मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी ह्यूमन करेज की, कामराडेरी मतलब यहाँ पे जो आपकी सद्भावना भाईचारे की मैंने वीडियो देखी कि किस तरीके से एक हिंदू मस्जिद को बचा रहा है, एक मुसलमान जो है वो मंदिर को बचा रहा है, और किस तरीके से एक ह्यूमन चेन बनाई गई मुसलमानों के द्वारा ताकि एक मंदिर को बचाया जा सके। मतलब काफ़ी दिल को सुकून मिलता है ऐसी चीज़ें देख के। और इसी ये चीज़ें हैं यही जो एक आशा हमको देती है, एक आशा ऑफर करती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे चिंतित बात यह है कि किस तरीके से दंगे होने के बावजूद जो भी देश की कैपिटल में कंप्लीट ब्रेकडाउन था गवर्नेंस का, टॉप टू बॉटम। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद आ रहे हैं, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट के एसपी हो, नेशनल कैपिटल में अगर इस तरीके का काम होगा जिसमें दंगों को एक दिन के अंदर अंदर नहीं रोका गया, तो बाहर देश में क्या होगा, ये तो सोचने वाली बात है। और दिल्ली पुलिस के द्वारा तो काफ़ी ज़्यादा ही लापरवाही का किस्सा सामने आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को फटकारा कि ये लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं। और देखा गया कई वीडियोज़ में कि दिल्ली पुलिस के सामने मॉब जो है पत्थर इकट्ठे कर रही है और दिल्ली पुलिस की बर्बरता देखी गई। हालांकि मैं यहाँ पे पुलिस के ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो है ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है और कई चीज़ें रहती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि पब्लिक ऑर्डर के लिए सरकार अपना एग्जीक्यूटिव पूरा जिम्मेदार, मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव, हमारे होम मिनिस्टर भी और हमारे जो पुलिस वाले सब जिम्मेदार हैं। तो एक को ब्लेम करना सही नहीं है यहाँ पे। ब्रेकडाउन तभी तो बोला गया, टॉप टू बॉटम तक ब्रेकडाउन था। ऊपर से ना कोई ढंग के ऑर्डर आए, ना नीचे से कोई ढंग का काम किया गया। पुलिस को एक्शन में लेने के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली जो LG हैं उन्होंने, जो सरकार के जो एडवोकेट होते हैं, जो सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, उन्होंने उनकी मदद ली, सॉलिसिटर जनरल की मदद से खुद को बचाने की कोशिश की। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरीके से जो कुछ लीडर्स थे जिन्होंने ऐसी स्पीच दी जिनकी वजह से ये सब हुआ, पुलिस ने उनको जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश नहीं की। और ये कहा कि एक पे इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय हम एक बार सारा जो है इलाका देखेंगे किस किस ने दिया था। तो ये राइटर कह रहे हैं कि एक बहुत ही बेकार लॉजिक है कि एक क्रिमिनल को तुम पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि सारे क्रिमिनल को अभी पकड़ना बाकी है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर को बहुत अर्जेंसी से लिया। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज था उनका ट्रांसफ़र हो गया है, हालांकि ये पॉलिटिकल रीजन से नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से जो है यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर से कह रहे कि ये जज का ट्रांसफ़र हो गया और जो है इस वजह से। देखो, ऑर्डर 12 फरवरी को ही आ गया था, प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से 12 फरवरी को ही बात कर ली थी। अब जो है डिसाइड तो तभी हो गया था, ऑर्डर अब आया है, ठीक है। अब कह सकते हो कि टाइमिंग की भी दिक्कत हो सकती है, अभी क्यों आया, लेकिन जो भी हो वो एक अलग मैटर है। तो कोशिश ये की जाए कि यहाँ पे अब जब ये मैटर नए चीफ जस्टिस के पास गया है तो इस मैटर को 13 अप्रैल तक टाल दिया गया है। 13 अप्रैल तक जो है इन्वेस्टिगेशन होंगे। राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ लीडर्स थे जिनके ऊपर पुलिस एक्शन चलना था, जिन्होंने रैली की थी तो शांति के लिए थी, लेकिन जो है इंटेंशन उनका आग लगाने का था। तो ये राइटर के आरोप हैं और इनको जो है UPSC के लिए आपको इग्नोर करना है। आपको केवल एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें देखनी है, कमियां कहाँ कहाँ थी। कंट्री के लॉ ऑफिसर, यहाँ पे जो ये सॉलिसिटर जनरल की बात हो रही है, उन्होंने जो है पार्टी के मेंबर्स को बचाने की कोशिश की। गवर्नमेंट पर आरोप लग रहा है कि गवर्नमेंट वॉयलेंस नहीं रोक सकी, कम्युनल पीस रिस्टोर नहीं कर सकी, जिम्मेदारी का पूरा जो है इन्होंने लापरवाही की है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के एक लीडर थे उनके ऊपर, उनके अगेंस्ट यहाँ पे फटाफट काम किया, उनको आरोप लगाया कि वो मर्डर पे, पत्थर रखने में, स्टोन्स में, पेट्रोल
जो है पेट्रोल बम्ब जो होते हैं उनको रखने में काफ़ी ज़्यादा जो है असिस्टेंस दिया है मोब को, और आम आदमी पार्टी ने अपने लीडर को, अपने उस नेता को सस्पेंड भी कर दिया और कहा है कि हाँ इसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले लो। सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कम्युनल टर्न कुछ प्लेसेस में हो गया है, काउंटर मोबिलाइजेशन हो रहा है कि भाई एक तरफ एनटी सीए हैं, एक तरफ प्रो सीए हैं। राइट टू असेंबल और प्रोटेस्ट आपके आर्टिकल 19 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर के रिक्वायरमेंट के तहत ही इसको जो है करना होता है। तो चाहे वो प्रो सीए वाले हो चाहे एनटी सीए वाले हो, इसका ध्यान रखें कि पब्लिक ऑर्डर जो है बहाल नहीं हो, पब्लिक ऑर्डर बना रहे। पुलिस की ड्यूटी है टू इंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज आर अपहेल्ड ऑन वन हैंड एंड वाइल ऑन द अदर लाइफ एंड वर्क गोज ऑन नॉर्मली फॉर द जनरल पॉपुलेशन। पुलिस की ये है, पुलिस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग अगर विरोध कर रहे हैं करें, लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं करें, लेकिन नॉर्मल दुनिया चलती रहे, पब्लिक ऑर्डर चलता रहे और जनरल पॉपुलेशन की नॉर्मल जो है लाइफ चलती रहे, उनको बीच में कोई रुकावट ना आए। सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट, पुलिस ने और जुडिशियरी ने जो है इन सब ने मिलके ये दिखा दिया है कि किस तरीके से रूल ऑफ लॉ में कितना डेफिसिट हमारे हो रहा है। इन चारों पे हमारा जो ट्रस्ट है सिटीजन्स का वो कम है, डेफिसिट हो गया है। पीस और नॉर्मलिसी केवल तभी अचीव की जा सकती है तब गवर्नमेंट मेजेस्टी से और इम्पार्शलिटी से काम करे। ऐसा नहीं है कि एक जगह दंगे शांत करवाए या फिर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इस लाइन में बहुत बातें जो है वो कहीं जा सकती हैं। बदकिस्मती से देर इज़ नो एफर्ट विजिबल इन दैट डायरेक्शन, लेकिन बदकिस्मती से इस दिशा में कोई भी काम नहीं किया गया कि गवर्नमेंट इम्पार्शलिटी दिखाए, रूल ऑफ लॉ लाए, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखे। और मैंने जो है ये कहीं पढ़ा कि एक रिटायर्ड आईएएस थे, डीजीपी थे, डीजीपी आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि कोई भी दंगा अगर 24 घंटे से ज़्यादा रहता है, मतलब सुबह और रात तक अगर चल रहा है और पुलिस अगर नहीं रोक पा रही, तो इसका मतलब इसके पीछे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये जो है आप यूपीएससी में नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ये आर्टिकल है स्क्रिपिंग एंड ऑडोसिटी ऑफ ऑफ दिस एंडर सर्वे। देखो बात हो रही है अमेरिका में हो रही इलेक्शन, होने वाले इलेक्शन, ट्रंप खड़े हैं, ट्रंप के पोजीशन में है बर्नी सैंडर्स, बर्नी सैंडर्स खड़े हो रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, ट्रंप है रिपब्लिक पार्टी से। अब मुद्दे क्या है इनके पास, मुद्दे क्या है, मुद्दे देखो एक तो प्रॉब्लम क्या है अमेरिका में, अमेरिका में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। 1930 से 1970 तक तो फिर भी थोड़ा लगा कि इनइक्वालिटी कम हुई है, गैप है रिच और पुअर के बीच में कम हुआ है, लेकिन अब इस वक्त इतनी तेज़ी से इनइक्वालिटी बढ़ी है कि 100 सालों में भी देखने को नहीं मिली। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर रही है, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं। देखो अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, तो अमीर किसकी कोस्ट पर अमीर हो रहा है, गरीब की, क्योंकि गरीब जो है एंजाइटी से, यानी जो वर्किंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, काम का बोझ झेलना पड़ रहा है, और यूएसए में तो एक नेशनल हेल्थ फ्रेमवर्क भी नहीं है, रिच होता जा रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर रही है, खासकर मेल की, और मेल में भी वाइट मेल की, जो प्रिविलेज सेक्शन माना जाता है, वहाँ पे जो वाइट और ब्लैक होते हैं, तो कहा जाता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, राइटर कह रहे हैं कि वाइट जो है मेल जो है उनको प्रिविलेज माना जाता है, उनको जो है कहा जाता है कि वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे रहते हैं, उनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर रही है। तो ये है वहाँ की पॉलिटिक्स है, मैंने आपको बस इशू बताया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है रीजनल बॉर्डिंग, और इसमें मैं काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मैं देने वाला हूँ। देखो ये बात हमेशा से कही जा रही है कि साउथ एशिया दुनिया का लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है, हमारे यहाँ पे लीस्ट इंटीग्रेशन है। क्यों? मतभेद इतने हैं, डिस्प्यूट्स इतने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से नहीं बना हुआ, और यहाँ पे हम एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया श्रीलंका हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो इंडिया चाइना हो, कुछ भी मान लो। एट अ टाइम व्हेन इंडिया हैज मोर और लेस शट डाउन ऑल कन्वर्सेशन ऑन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क, इसके बारे में पढ़ेंगे भी। सार्क से हमने पूरा नाता तोड़ लिया, कहा तो ये गया था हमारे सरकार के द्वारा कि सार्क के साथ हम नाता नहीं तोड़ेंगे, सार्क जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट रहेगा फैक्टर, लेकिन क्यों किया मैं आगे बताऊंगा। हमने आरसीपी को छोड़ दिया, अब इसको देखते हुए फॉर्मर श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे ने आइडिया दिया है, सजेशन दिया है, विचार दिया है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को पुश करना ही पड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान डायलॉग को स्टडी करना ही पड़ेगा, पाकिस्तान इंडिया नाराज नहीं रह सकते, क्योंकि ये ना केवल इन दोनों देशों के लिए हानिकारक है बल्कि एज अ होल पूरे रीजन के लिए हानिकारक है। कैसे, आगे बताऊँगा। द हिंदू का हडल कॉन्क्लेव हुआ इस बार,
न्यूज़पेपर का, तो इसमें विक्रम सिंह जी को बुलाया गया, इन्होंने सजेशन दिया, इन्होंने कहा कि एक तो इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन है ना वो सबसे बड़ी दिक्कत है, और उसकी वजह से सार्क जो है रीजन में उसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सार्क में ही इंडिया पाकिस्तान और दोनों, कभी भी देखो सार्क में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा, एक बार आर्टिकल पढ़ लेते हैं। ओरिजिनल पर्पज़ क्या था इस ग्रुप का, बेसिकली कि एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें बिलेटरल इशूज़ जो है साइड में रखेंगे और रीजनल ग्रोथ की बात करेंगे, जबकि उल्टा हो गया, इंडिया पाकिस्तान जो है अपने डिस्प्यूट्स लाने लग गए, बिलेटरल इशूज़ लाने लग गए। साउथ एशिया में मैंने कहा कि लैक ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, सार्क कंप्लीट फेल हो चुका है, अब सार्क में पाकिस्तान था, इंडिया को होड़ रही थी चिड़, इंडिया ने सोच लिया ठान लिया अब जब तक पाकिस्तान तब तक साउथ एशिया में प्रॉस्परिटी नहीं आ सकती, बिम्सटैक बना दिया, बिम्सटैक में पाकिस्तान नहीं, बिम्सटैक में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है कोशिश की कि बिम्सटैक बनाने के लिए कि सार्क की सारी कंट्रीज बिम्सटैक में आ जाए और पाकिस्तान को वहीं रहने दे, अब बिम्सटैक में हम फोकस करके चल रहे हैं, हालांकि हमारी सरकार ने कहा था कि बिम्सटैक और सार्क दोनों को लेकर चलेंगे, लेकिन दिख ही जाता है साफ कि पेपर में बोलने में क्या है और करने में क्या है, करने में हम जो है सार्क की 2014 से मीटिंग नहीं हुई, तो अब जरूरी भी है ना, पाकिस्तान जो है बार बार उंगली करता आके है ना, तो मिस्टर विक्रम सिंह जी जो है उन्होंने कहा कि छोटा सा एक ग्रुप बना दो चार कंट्री का, वो भी काफ़ी, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, और इनमें टैरिफ रिड्यूस कर दो और नॉन टैरिफ बैरियर रिजिम में जो है डिमोलिश कर दो। अब टैरिफ और कोटा में क्या अंतर होता है, टैरिफ होता है जैसे मैं अगर 100 रुपये का सामान आ रहा है मेरे देश में तो मैं टैरिफ लगा दूंगा 10% 20%, तो 110 का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा टैरिफ, यानी वो प्राइस के बेस्ड होता है प्राइस। कोटा होता है क्वांटिटी, मतलब मैं ऐसे कह दूंगा मेरे देश में केवल 100 किलो जो है टमाटर आ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, कोटा हो गया। तो टैरिफ प्राइस पे होता है, कोटा क्वांटिटी पे होता है। अब नॉन टैरिफ जो बैरियर होता है उसको कोटा ही कहते हैं, ठीक है। तो ये टैरिफ हो चाहे नॉन टैरिफ हो, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और चार कंट्री भी मिल जाए तो बाकी कुछ हो सकता है। सार्क और बिम्सटेक पीछे रह गए, आसियान से, ईयू से और मरकसर से, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा आपको। श्रीलंका जो लीडर है उन्होंने कहा कि इंडिया की लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, इंडिया की लीडरशिप की मदद से हम मोर इंटीग्रेटेड साउथ एशियन रीजन बनाएंगे, आरसीपी के साथ भी हम फिर बात कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया को जो दिक्कत हो रही है ना आरसीपी के साथ, इंडिया की सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जा रहा, इंडिया को मार्केट नहीं दिया जा रहा प्रॉपर अपने प्रोडक्ट्स के लिए, उसके लिए हम नेगोशिएट कर सकते हैं अगर इंडिया के साथ ये कंट्रीज आ जाए तो, क्योंकि करना जरूरी है आरसीपी के साथ आज नहीं तो कल। आरसीपी एशिया का प्रोडक्टिविटी नेटवर्क है, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं किया, हमने आरसीपी ज्वाइन नहीं किया, एशिया ग्रोथ होने, एशिया में ग्रोथ होएगी, 100% एशिया बढ़ेगा, और यूएसए, यूरोप सबको पीछे छोड़, सबको जो है अमेरिका, यूरोप सबको पीछे छोड़ेगा, और उसके लिए हमारा पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे यही सजेशन दिया गया श्रीलंका के लीडर के द्वारा कि प्रोडक्टिविटी नेटवर्क के अंदर जुड़ो, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रोड मैप लाओ। मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें तो ये होना मुश्किल है कि इनकी एक भी बात मान ली जाए श्रीलंका लीडर की, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान से हम अभी बात नहीं करेंगे, सार्क समिट तो फिर होएगी भी नहीं 2014 से जो हुई भी नहीं है, क्योंकि सार्क समिट में पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान के साथ वैसे डिस्प्यूट चल रहा है। दूसरी बात, सरकार यहाँ पे मल्टीलेटरल ट्रेड पैक्स पे प्रोटेक्शनिस्ट टर्न ले रही है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है खुद को, यानी कम से कम जो है इम्पोर्ट करवाने की कोशिश कर रही है, कम से कम अपने मार्केट ओपन करने की कोशिश कर रही है दूसरों के लिए। ये एक कैसे कह सकते हैं, आरसीपी हमने ज्वाइन नहीं किया, हमने जो है इस बजट में टैरिफ वेरिफ लगाने शुरू कर दिए, हमने कोशिश ये की कि कंट्री के साथ हम बायलेटरल डील करें, जैसे आरसीपी है तो आरसीपी में हम पूरा ना करके जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग अलग बायलेटरल डील कर ले, तो इस पे हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ना कि एक साथ ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करके जिसमें हम, जैसे मैंने अगर आरसीपी को ज्वाइन कर लिया भारत ने तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे मार्केट तो वैसे भी खुलेंगे, बायलेटरल करते एक तरफा जाके, मतलब अलग अलग अगर इस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जाके अलग से डील करते तो भी एक दोनों दूसरों के मार्केट खुलते, आसिया में जाते तो भी एक दूसरे के मार्केट खुलते, लेकिन आसिया में दिक्कत यह है, सॉरी आरसीपी में, आसिया के द्वारा आरसीपी आया इसलिए आसियान मैंने बोला कि आरसीपी जो है उसमें चाइना भी है, और चाइना अपने प्रोडक्ट्स की फ्लडिंग कर देगा इंडिया के मार्केट में, तो जापान से तो फायदा हो जाएगा इंडिया को लेकिन चाइना से नुकसान हो जाएगा,
ठीक है। इस वजह से हमने कोशिश की कि सेलेक्ट करके अलग अलग कंट्री के पास जाके बायलैटरल ट्रेड शुरू करें। अभी कोशिश की जा रही है कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम FTA करें, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो ओवरऑल प्रोजेक्शन ये है कि इंडिया का जो ग्लोबल रीच है वो इसके पड़ोसियों की वजह से जो है कंस्ट्रेंड है, क्योंकि जब तक पड़ोसियों के साथ ये इंटीग्रेट नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ टेंशन सोल्व नहीं होगी, ये जो प्रोजेक्शन है कि इंडिया की ग्लोबल रीच नहीं बढ़ेगी, ये जो प्रोजेक्शन है इट कैन नॉट बी रिफ्यूटेड यानी मना नहीं कर सकते आप इसको। ये प्रोजेक्शन सही है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाओ, पड़ोसियों के साथ इंटीग्रेट हो जाओ। इंडिया नीड्स टू बी मोर अकोमोडेटिव फॉर द रियलाइजेशन ऑफ इट्स एम्बिशन। मोर अकोमोडेटिव होना पड़ेगा, अकोमोडेटिव अकोमोडेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अपने साथ देशों को लेके चलना पड़ेगा। दूर दूर हटाने की कोशिश करोगे तो साउथ एशिया ऑलरेडी लिस्ट इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेट बनाने की कोशिश जब की जा रही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और RCEP के द्वारा, उसमें हम जुड़ नहीं रहे, है ना। तो ये आर्टिकल पूरा मेंस के रूप में आप काम में ले सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इंडिया नीड्स टू इंगेज विद इट्स नेबर टू रियलाइजेशन ऑफ इट्स ग्लोबल एम्बिशंस डिस्कस, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं किस तरीके से हमने सार्क छोड़ दिया, RCEP छोड़ दी। सार्क क्यों छोड़ दिया, RCEP छोड़ दी, दोनों के रीज़न बताओ। क्योंकि सार्क में पाकिस्तान वगैरह डिस्प्यूट चल रहा है और बिम्स्टेक जो है पीछे रह रहा है, अभी इतना कुछ इसमें हुआ नहीं। और बिम्स्टेक में दिक्कत ये है कि पहली बात तो ट्रस्ट डेफिशिट है, क्योंकि इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल ये सब सोचते हैं कि इस ग्रुप में चाइना है नहीं तो इंडिया राज करेगा, और भी। और फिर जो है ये ग्रुप जो है EU से मरकसर से पीछे रह गए। ये बात बता के आप जो है ये बता दोगे कि इम्पोर्टेंस क्यों है, हमको साउथ एशिया से क्यों जुड़ना चाहिए, तो फिर जो जो पॉइंट इसमें फेवर में दे रखे हैं कि क्योंकि जुड़ना चाहिए सारे लिख देना, और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना। जैसे हाउएवर द ओवर प्रोजेक्शन दैट इंडियाज ग्लोबल रीच विल बी सेवरली कंस्ट्रेंड, ये लाइन जो है पूरी पैराग्राफ नीचे वाला ये 3-4 लाइन कंक्लूजन बना देना, ठीक है। अच्छा हम पढ़ेंगे एक बार पढ़ ले, एक्सटर्नल नॉलेज हम ले लेते हैं। मरकसर, मरकसर क्या है? मरकसर एक सब रीजनल ब्लॉक है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का। इसका पर्पज़ है कि फ्री ट्रेड प्रमोट किया जाए, गुड्स का, पीपल का, करेंसी का फ्लूड मूवमेंट हो। इसके फुल मेंबर्स आपको याद रखने ही हैं, एसोसिएट कंट्रीज़ आप याद ना रखें तो भी चलेगा। फुल मेंबर्स हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला। वेनेजुएला को सस्पेंड कर दिया गया था, वेनेजुएला करीब 2006 में ही सस्पेंड हो गया था, तो वेनेजुएला काट देना, वेनेजुएला इसका मेंबर नहीं है, सस्पेंड हो चुका, ठीक है। तो आप जब लिखो तो ये चीज़ ध्यान रखना, वेनेजुएला इसका मेंबर नहीं है, सिर्फ अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे इसके मेंबर्स हैं। एसोसिएट कंट्रीज़ हैं बोलीविया, चिले, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, सुरीनाम। द मरकसर ट्रेडिंग ब्लॉक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1991 में आया था, इसके हेडक्वार्टर उरुग्वे के मोंटेवीडियो में, ठीक है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे के मोंटेवीडियो में इसका हेडक्वार्टर 1991 में ही आया था। एसोसिएट कंट्रीज आप याद ना रखेंगे तो भी चलेगा। सार की मैं बात करूँ, सार का था 1985 में ढाका में, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। सार्क चार्टर आया था उस टाइम पे 1985। 1980 में आइडिया आया था, 1985 पे सार्क चार्टर आया, सार्क बना उससे। और सार्क को बनाया किसने था, फाउंडिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अफगानिस्तान नया मेंबर बन गया है सार्क का 2005 में, तो इसमें अफगानिस्तान भी आप जोड़ लेना। सारी कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर है एक्सेप्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2005 में 13th एनुअल समिट में जुड़ा था। इसके हेडक्वार्टर और सेक्रेटरियाट है काठमांडू, नेपाल। सार्क के कहाँ हेडक्वार्टर, अच्छा मुझे माफ़ करना, बेसिकली इसका जो सार्क जो चार्टर आया था वो ढाका में आया था बांग्लादेश में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में। बेसिकली ढाका हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का, मैं रिपीट कर देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो। सार्क चार्टर ढाका में आया था, लेकिन हेडक्वार्टर सार्क का काठमांडू, नेपाल में है, और ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है, समझ गए, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। मेंबर से सार्क के देख लो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके 9 ऑब्जर्वर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, और ये देख सकते हैं। अब इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडीज, सार्क डेवलपमेंट फंड,
ये इनके जितने भी देश इसमें मेंबर्स हैं उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रिप्रेजेंट करती हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इंडिया में, सारसो साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ढाका बांग्लादेश में, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है पाकिस्तान में, ये क्या करती है आर्बिट्रेशन यानी ये करती है डिस्प्यूट्स को सोल्व, कोई भी डिस्प्यूट निकल के आ जाए तो मध्यस्थता करती है, सोल्व करती है, सेटलमेंट करती है। तो साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड, साउथ सार्क डेवलपमेंट फंड आ गया समझ में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग अलग कंट्रीज़ की इसको रिप्रेजेंट करती है, एशियन यूनिवर्सिटी में, सारसो ढाका में, और सार्क जो है पाकिस्तान, अब आर्बिट्रेशन काउंसिल पाकिस्तान में, ठीक है। और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में डिग्री हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी के हिसाब से मिलती है। ये साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली स्टैंडर्ड सेट करता है किस तरीके से जो है काम करना है और किस तरीके से आगे सार्क को आगे बढ़ाया जाएगा। अब चूंकि सार्क इतना इन्फेक्टिव है और सार्क जो है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है तो इसके बारे में जो है इतना कोई कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। बिम्स्टेक आप याद रख सकते हैं, बिम्स्टेक 1997 में आया था, ओरिजिनली इसके फाउंडर्स थे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बाद में म्यांमार, नेपाल और भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जो सार्क में थे वो बिम्स्टेक में नहीं है। देखो सार्क में कौन, देखो अफगानिस्तान है, मालदीव्स और पाकिस्तान है, बिम्स्टेक में नहीं है। बिम्स्टेक में मालदीव्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ दो तो सारी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बाद में म्यांमार आ गया। तो फाउंडिंग मेंबर्स कौन से, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। ऐसे याद नहीं होगा, आपको रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, और जो बच्चा रिवाइज नहीं करता ना उसको बहुत बड़ी कोस्ट झेलनी पड़ेगी। रिवीजन जरूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, IQ कुछ नहीं चाहिए, रिवीजन। तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, बाद में म्यांमार, नेपाल और भूटान जुड़ गया, ठीक है। तो म्यांमार और थाईलैंड साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, ईस्ट एशिया म्यांमार और थाईलैंड, बाकी साउथ एशिया से। और मालदीव्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसमें है नहीं। हम कोशिश ये कर रहे हैं, भारत कोशिश कर रहा है मालदीव्स को किसी ना किसी तरीके से लाया जाए, पाकिस्तान को हम लाना चाहेंगे नहीं। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। स्टेट लेथार्जी एमिडेस्ट कफ सिरप पॉइजनिंग, देखो कुछ सालों पहले हमने देखा कि जो 12 बच्चों की मौत हो गई जम्मू में क्योंकि उन्होंने पॉइजनस सिरप ले लिया खांसी का, कफ का। अब इसका नाम तक कोल्ड बेस्ट पीसी, ये बच्चे जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं और बिल्कुल जो है इनकी हालत ख़राब हो गई। देखा ये गया कि इस कफ सिरप में डायथलाइन ग्लूकोल की प्रेजेंस थी जो कि बच्चों के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा था। अब जो डायथलाइन ग्लाइकोल है ये एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है बेसिकली, जो कि ह्यूमन बॉडी में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से ना केवल पैरालिसिस बल्कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज और अल्टीमेटली मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा चौथी बार हुआ है कि किसी दवाई की वजह से, ड्रग की वजह से ग्लाइकोल पॉइजनिंग इवेंट हुई है। जैसे कि देखो 1973 में हुआ था चेन्नई में, 86 में मुंबई में, और देखा ये गया था कि किस तरीके से जो है यहाँ पे निकल के आई चीज़ें कि ड्रग्स की वजह से, जो हानिकारक ड्रग्स हैं उनकी वजह से एक साथ इतने बच्चों की मौत हो गई। ये चौथा जो है यहाँ पे है, एक बार 1998 में 33 बच्चों की मौत हो गई थी, तीनों केसेस ये हुए, चौथा जम्मू कश्मीर में भी निकल गया जहाँ पे 14 बच्चों की मौत हो गई। मैन्युफैक्चरर वो सिरप बनाता है, चेक नहीं करता, देखता नहीं है कुछ इसमें गलत चीज़ तो नहीं मिली हुई, डिटेक्ट नहीं करता कि उस सिरप में डायथेनॉल ग्लूकोल की मात्रा कितनी है, जो कि उसको पता है मैन्युफैक्चरर को कितना हानिकारक होता है, उसके बावजूद भी डायथेनॉल ग्लूकोल का लेवल नहीं देखा जाता और फिर जो है पेशेंट्स को कंज्यूम करने के लिए दे दिया जाता है। काफ़ी समय है हमारे पास कि जो इसके लिए जिम्मेदार है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, उनको पकड़ के हम सजा दें अभी हमको, लेकिन इमीडिएट कंसर्न डॉक्टर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए ये है, ड्रग रेगुलेटर्स के लिए ये है कि आगे मृत्यु ना हो इसका देखा जाए। जिसने दवाई बनाई उसको बाद में पकड़ना, पहले दवाई कितनी बाजार में बिक रही है पहले उसको रोको, और ओनली वे टू डू इज टू अकाउंट फॉर ईच एंड एवरी बॉटल ऑफ द पॉइजनस सिरप। एक एक बोतल को देखो सिरप कहाँ कहाँ बिक रही है, उसको चेक करो। अब आप बोलोगे यार एक एक सिरप की बोतल कैसे चेक करेंगे, कितनी दुकानों पे चेक करेंगे, इंडियन मार्केट कितना बड़ा है, और फिर एक एक पेशेंट को कैसे रोकेंगे। एनी पेशेंट हु हैज कंज्यूम्ड इवन अ स्पून ऑफ द सिरप शुड देन इमीडिएटली बी रिफर्ड टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। और पता लगा
अगर ड्रग अथॉरिटी के द्वारा कि कोई पेशेंट वो दवाई ले रहा है, कोई ड्रग ले रहा है, तो उसको वहीं रोका जाए और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाए। ये कैसे हो सकता है कि हम एक एक पेशेंट को चेक करें, एक एक दुकान पर जाके हम ये ड्रग चेक करें? इतना स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है? और मैं तो कहता हूँ स्टाफ भी क्या इतनी हमारे पास है इंटेंशन, ये बात अभी साबित होगी। देखो यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी वेबसाइट पे ये देखा गया कि 1937 में एक सिमिलर इवेंट हुआ था जिसमें ग्लाइकोल पॉइजनिंग सामने आई थी, एक ड्रग निकल गया था जो काफ़ी हानिकारक था। यूएसए ने बहुत फुर्ती से डील करते हुए 239 इंस्पेक्टर्स की फोर्स निकाल दी, सारे केमिस्ट को जो है यहाँ पे एक टास्क दे दिया कि एवरी सिंगल बॉटल पकड़ के लाओ। अगर कोई पेशेंट कहता है कि हमने वो दवाई ले ली और उसको फेंक दिया वो बॉटल, तो बॉटल भी ढूंढो गलियों में कहाँ है वो बॉटल, कहाँ फेंकी थी। इतना जो है इंटेंसिटी के साथ काम किया गया और साथ ही साथ अवेयरनेस फैलाई गई रेडियो टेलीविजन के द्वारा 1937 में। आज तो पता ही नहीं कितने तरीक़ों से जो है दवाइयाँ ड्रग्स ट्रैक किए जा सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, अथॉरिटीज़ को पता ही नहीं चल रहा है इशू का सीरियसनेस कितनी है। हिमाचल प्रदेश में इसका मैन्युफैक्चरर बताया जा रहा है और इसने जनरल स्टेटमेंट दिए हैं वही कि मैंने जो ऑर्डर सारे विड्रॉ कर लिए मार्केट में से, मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी बेचनी। हालांकि कितनी कर दी ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं है, रिकॉल प्रोसेस पता ही नहीं चल रहा कितना है कि भाई रिकॉल आप दवाइयाँ किस तरीके से बुला सकते हैं, रिकॉल प्रोसेस ही नहीं है ना, कोई यहाँ पे बताया जा रहा है, कम्युनिकेशन दी जा रही है कितनी रिकॉल की जा रही है, कब कब की जाएगी अथॉरिटी को। चलो ये तो ठीक है, मैन्युफैक्चरर की तरफ से एक गलतियाँ हैं, सरकार की तरफ से ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि दवाई मत लो। मैं तो एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ इस वजह से, आपको पता है, मुझे पता है, न्यूज़ पढ़ रहे हैं अपन, जो लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं जिनको समय नहीं मिलता, गरीब अमीर जो भी है, उनको कैसे पता चलेगा? तो DCGI ने तो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जो कि पूरा इंडियन मार्केट का ड्रग जो मार्केट है उसका रेगुलेशन के लिए ये जिम्मेदार है। हिमाचल प्रदेश में प्रोडक्ट बिका, बना, पूरे देश में ये बिक रहा है, इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए था कि कोल्ड बेस्ट पीसी मत लो, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है रिकॉल। अब यहाँ पे मेंस के लिए आपका आंसर आता है कि जब अगर पूछा जाए आपसे कि हमें क्यों ज़रूरत है एक रिकॉल पॉलिसी की, तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आप ये जो इवेंट मैंने बताया जम्मू कश्मीर वाला वे एग्जाम्पल देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, दूसरी बात फिर आप यूएसए से कंपेयर कर सकते हैं जो मैंने बताया था, ये फिर आप देख सकते हैं कि नीड फॉर रिकॉल पॉलिसी कुछ कारण से इसके। पहला तो ये कि हमारे पास कोई बाइंडिंग गाइडलाइंस नहीं है, हमारे पास कोई डेंजरस ड्रग्स की रिकॉलिंग की कोई रूल्स नहीं है कि अगर कोई पता चल जाता है कि ड्रग हानिकारक है तो उसको कैसे वापस बुलाया जाएगा मार्केट में से। ये हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ की 59th रिपोर्ट भी थी और WHO की भी जो है यहाँ पे सजेशन आया था इसके नेशनल रेगुलेटरी असेसमेंट में, तो इनका दोनों का नाम आप लिख देंगे ना मेंस में तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। दोनों ने हमारे ड्रग कंट्रोलर को चेतावनी दी थी कि नेशनल रिकॉल फ्रेमवर्क लाया जाए, कोशिश 2012 में भी की गई लेकिन कभी नोटिफाई नहीं किया गया। 2016 में भी राइटर कह रहे हैं कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को रिपोर्ट दी थी फिर भी कुछ नहीं हुआ, और कहा था मैंने कि नेशनल ड्रग रिकॉल फ्रेमवर्क अर्जेंट नीड में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, नेशनल रिकॉल मैकेनिज्म जो है वो नहीं लाया पाया अभी तक। ये इसकी नीड इसलिए है क्योंकि कभी भी कोई अगर इस तरीके की घटना सामने आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्विकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे इस दवाई को ले रही है। भाई मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने दवाई पूरे देश में भेज दी, अब जितनी कंपनियों के पास होगा कंपनियों के पास जाना पड़ेगा, तो एक तो ये एक और कारण है। दूसरी बात, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास अगर ये गई होगी तो यहाँ पे अब देखो मैन्युफैक्चरर ने इसको टेस्ट नहीं किया तो कंपनियों ने भी इसको टेस्ट नहीं किया होगा, तो ये ज़रूरी है कि रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ है हमारी सीज करे जितने ट्रेडर्स के पास ये गई है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ये जिस तरीके से ड्रग रेगुलेटर का रिस्पॉन्स है काफ़ी चेतावनी भरा नहीं है, काफ़ी चौंकाने वाला नहीं है। हमारे ऐसा ही चलता है, हमारे यहाँ पे जो दिख रहा है ना लार्जर लेथार्जी और अरोगेंस, लेथार्जी मतलब आलसीपन, अरोगेंस मतलब जो यहाँ पे इग्नोरेंस दिखाई जा रही है इस काम को, ये हमारे चलता है। बाबू डोम मतलब जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, बाबू जो होते हैं ना बाबू, जो देखो बाबू डोम का मतलब ये जो हमारे ब्यूरोक्रेसी काम करती है, जो बाबू होते हैं हमारे, जो यहाँ पे जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ये सारे
अभी किस चीज़ के ऊपर इनका धब्बा, इनको बदनामी किस चीज़ से, ये काम आलसीपन से करता है, मतलब जो हमारे बाबू वगैरह जो है, ये आप किस चीज़ से जाने जाते हैं, ये आप जानते हो कि फास्ट तरीके से काम नहीं होता, तो इसको बाबू डोम कहा जाता है। तो ये एक इम्प्लेटिक है, मतलब एक सिंबल है हमारे बाबू डोम का, कि हमने ना वेबसाइट पर नोटिफिकेशन दिया ड्रग कंट्रोलर ने, ना खुद की कोई पब्लिक अनाउंसमेंट की, ना सरकार ढंग से बात कर पा रही, ना मैन्युफैक्चरर से, ना कोई पब्लिक इंस्पेक्टर यहाँ पे डाले गए, और यहाँ पे कोई टेलीविजन न्यूज़पेपर में ऐड नहीं डाले गए, और ये सारी चीज़ें जो हैं मिलके हमको सेफ रखने की कोशिश कर रही है अनएथिकल प्रैक्टिस से। कर पाएगी सेफ, देखते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे आंसर लिखोगे, सबसे पहले तो आप जो लिखोगे कि इंट्रोडक्शन में भी जम्मू कश्मीर वाला एग्जांपल लिखोगे, फिर इसमें आप लिखोगे कि इसमें जो है डेथनॉल ग्लूकोल मिला हुआ था जिसकी वजह से मौत हो गई, फिर आप लिखोगे कि नीड फॉर रिकॉल पॉलिसी, रिकॉल की नीड, पॉलिसी की नीड क्या है, तो उसमें आप जो दो तीन एग्जांपल और 1973 1983 वाले वो भी लिख सकते हो, फिर आप ये बता सकते हो कि नीड क्या क्या है, तो आप नीड बता सकते हो कि हमारे जो है रिकॉल पॉलिसी नहीं है यहाँ पे, और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को फटाफट डील करना पड़ता है क्योंकि सारी कंपनियों को यहाँ पे बिक जाता है सामान, और एक एक आदमी को हमको ट्रैक करना पड़ता है क्योंकि एक बार अगर ये फैल गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। फिर आप यूएसए का एग्जांपल दे सकते हो कि यूएसए ने किस तरीके से किया था, और फिर आप जो है कंक्लूजन दे सकते हो कि कंक्लूजन में जो लास्ट वाली जो लाइन थी ना, द लैक्स लाइडल रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग लेटर्स इंडिया इज नॉट सरप्राइजिंग, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ, ये जो है आप अगर डालो तो डाल सकते हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये डाल देना, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट टू रेड एंड सीज एवरी ट्रेडर हु इज सोल्डिंग द ड्रग, ठीक है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली केंद्र सरकार के अंदर आता है, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है, ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट पे काम करता है, नए ड्रग्स आते हैं उनको अप्रूवल ये देता है और लाइसेंस भी ये देता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, ये भी लाइसेंसेस को अप्रूवल देता है लेकिन कुछ ही स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए, जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड प्रोडक्ट हो गया, वैक्सीन हो गया, सीरा हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। इस पे आरोप भी लगा था कई बार क्योंकि अभी नए ब्लड बैंक्स को रेगुलेट करने की बात की जा रही है, ब्लड बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा खामी आ रही हैं अभी क्योंकि कई ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है उनको सोल्व कौन करेगा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ब्लड्स के बारे में इतना नहीं जानता, ब्लड भाई ब्लड के बारे में स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है, तभी तो आप ब्लड बैंक में जो खामी आ रही है उनको रोक पाओगे, तो ये आरोप इस पे लग रहा है। देखो यूरोपियन यूनियन अभी हमने पढ़ा भी था और यूरोपियन यूनियन न्यूज़ में भी था, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूरोपियन यूनियन बेसिकली 1957 में आया था और 1957 में इसको फाउंड किया गया था और 1992 तक आते आते अपने फुल मॉडल तक ये पहुंच गया था 51 कंट्रीज है यूरोप में, यूरोप में 51 कंट्रीज है जिसमें से 28 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, अब तो 27 रह जाएंगे, यूके चला रहा है, यूके चला जाएगा ब्रेग्जिट होएगा तो यूरोप में 51 कंट्रीज हैं, 28 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, समझ गए, तो सारी यूरोप में जो कंट्रीज है सारी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, केवल 28 कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 16% है, इसके पास एक यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोपियन काउंसिल भी है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है यूएसए के, यूएसए से भी आगे चलता है, 2012 में इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। यूरो एरिया क्या, यूरो एरिया देखो यूरोप में कितनी कंट्रीज हैं, 51, यूरोपियन यूनियन में 28, उन 28 में से भी 19 का एक यूरो एरिया है, यूरो एरिया यानी उनमें करेंसी सेम चलती है यूरो, जैसे ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, यूरो एरिया का मेंबर नहीं था, तो जो यूरो एरिया का मेंबर है उसमें करेंसी भी सेम चलती है। आप यूरोपियन यूनियन का मेंबर हो तो आप तो मार्केट सेम होएगा, सब कुछ चीज़ें सेम होगी, लेकिन आप यूरो एरिया के मेंबर हो तो करेंसी भी सेम होगी, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई सारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।